इनको हम चेज कर रहे थे और आज इन्हें एक बड़ी लूट करने की, जहाँ इनकी लोकेशन मिली वहाँ हमारी पूरी टीम जब मौजूद हुई इनको भी भनक लग गई, इन्होंने भागना शुरू किया। इनमें से दो जो हैं वो इनामी बदमाश हैं, अनिल और कपिल। 20,000 रुपये का इनाम है, इनको इनाम किया गया था। एक इज्जत के पास एक गोली मारी थी इन लोगों ने लूट के उद्देश्य, जो उसके गले में लगी थी। और इसी हॉट चेज में आप देख रहे हैं कि हाईवे से भागने की कोशिश की थी इनमें से हॉट चेज, इन्होंने बचने के लिए पुलिस पर गोलियाँ चलाईं। आपने देखा कि जो इनके पास कट्टे थे उनसे इतनी गोली चलाई है कि कट्टे की नाल भी पड़ गई और कारतूस भी पड़ गए जो यहाँ एम्प्टीज पड़े हुए हैं। तीसरा बदमाश भागने में सफल हुआ है, हालांकि बहुत दूर नहीं गया होगा। हमने अपना ड्रोन मंगा लिया है, उस ड्रोन से हम आप देख रहे हैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आसपास समतल भूमि है, गेहूं का गेहूं की खड़ी हुई फसल है और जो थोड़े बहुत पेड़ हैं उनको भी हम उसी ड्रोन के माध्यम से तलाश कर रहे हैं। ये दोनों अपराधी पिछले 3 दिनों से हम लोगों के नाक में दम किए हुए थे। शहर के एक बड़े व्यवसायी जो पैसा लेकर शाम को जाते हैं उनको टारगेट कर रखा था, हम इन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। इन्हें बाकी इनकी गतिविधियों का अंदाज़ा हमको अपने सर्विलांस से पता लग रहा था, लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। आज ये जैसे ही आइडेंटिफाई हुए, माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले जो वसूली करते हैं गाँव गाँव जाकर वो पैसा लेके निकलते हैं, वो भी लेते हैं, तब हॉट चेज में दोनों को गोली लगी। तीसरे की हम तलाश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि तीसरा भी हमें मिल जाएगा। सर क्या जेल से रिहा हुए थे? हाँ, इनमें से तीसरा है वो भी दिल्ली की एक बड़ी लूट में जेल गया था और 4-5 दिन तक के लिए छूट गया है जमानत से। ये भी 15-20 दिन पहले जमानत से बाहर आए। मुकदमे वगैरह के मुकदमे की डिटेल सभी हम ढूंढ रहे हैं, इसमें इन पर इनाम है। वो तो वही एक के पास जो आप लोग से बच्चे को जानते हैं, गले में गोली लगी थी, आदमी बच गया था, सर्वाइव कर गया था उस केस में। हम अपनी टीम को जो इन पर इनाम है इसके अतिरिक्त इनको प्रशस्ति पत्र देंगे DG साहब से और VDG जोन साहब से अनुशंसा करेंगे इनको और मदद इनाम की। बहुत हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, नहीं तो ये अगले 2-3 दिनों में हम परेशान होते भागते घटना हो जाती किसी के साथ। सर गोली कहाँ लगी है, इनके क्या नाम है? गोली अभी हम हॉस्पिटल चल रहे हैं वहाँ पता लगेगा। नाम तो मैंने बताया, एक नाम अमित है, एक नाम कपिल, अनिल और कपिल।